राजपुरा दे विच आम आदमी पार्टी नूं लगा वड्डा झटका। अज आम आदमी पार्टी दे टकसाली आगू जिला मीत प्रधान प्रिंसीपल धर्मिंदर सिंह अकाली दल विच होए शामिल, जिन्हां दा स्वागत प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरे ने किया। इस मौके मीडिया दे नाल गलबात करदे चंदू माजरे ने कहा कि केंद्र सरकार वालों जो साहिबजादे नूं वीरपाल दिवस कहना साडे धर्म विच सही नहीं है, असी तां निक्कियां जिंदा वड्डे साके साहिबजादियां नूं कहिंदे आ। नाल दी नाल उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अज एक वड्डा झटका लगा अते आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू अज अकाली दल विच शामिल होए ने, इस नाल अकाली दल नू बहुत वड्डी बहुमत मिलेगी। आप पार्टी छड के प्रिंसीपल धर्मिंदर सिंह जिहड़ा मैं कह सकदा इस इलाके दे विच सब तो वध आप दा झंडा चुकण वाला सब तो पुराना और आप पार्टी का एक वफादार झंडा बरदार के तौर पर यह रहा। भावें साढ़े ना निजी मित्रता थी पर निजी मित्रता की परवाह किए बिना ही यह पार्टी का इन्हें हमेशा झंडा चुकया। पर मैं समझदा कि जिस तरीके केजरीवाल का पंजाब प्रति एक बेगानेपण का सुभा उदा और पंजाब विरोधी चेहरा जड़ा वो जग जाहर हो रहा, जिहड़े उन्हां दे वफादार ते नेड़े दे वर्कर ने लीडर ने उन्हां दे मनां दे विच, इस करके वड्डी पद्धर दे विच उन्हूं छड के आ रहे ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा एक हफ्ता दिल्ली दीआं सड़कां ते बुत ना लाउणा, गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत वाली थां चांदनी चौंक ते प्यो साहब ढाउणा, पंजाब दे थर्मल प्लांट बंद करन दी अदालत विच अर्जी लेनी और दिल्ली सत्ता लैण लई पंजाब दा पाणी दिल्ली वालियां नूं खोह के देण दी वादा करना, इस तरह दीआं गल्लां सी जिहड़े पंजाबी ने जिन्हां च पंजाबीयत दी भावना प्रिंसीपल धर्मिंदर सिंह वर्गे लोक उन्हां दे मनां दे विच अंदरों अंदर जिहड़े बलबले सी उह सामणे आ रहे सी। ते मैं समझदा कि हुण वो जग जाहर हो रहे ने, खास तौर पर पिछले दिनों विच जिस तरीके दे नाल उन्हें टिकटां दी वंड कीती आ, वो तो मेरा ख्याल आ भी जिहड़ा भी कोई पंजाब ते पंजाबीयत नूं पसंद करदा जां पंजाब दा वफादार आ वो सही मायने विच केजरीवाल नाल नहीं रह सकेगा। आ जिवें हुण साडे मोहाली दे विच करोड़ापति नूं टिकट देती, अज जॉइन कराया दूजे दिन टिकट देती, जानी उहदा जिहड़ा भोलापण ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੋਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ सामने नज़र आने लगी आ कि जे पंजाब नू कोई बचा सकता, पंजाब दा कोई विकास कर सकता, पंजाब दे लोकां नू कोई जोड़ के रख सकता तां केवल तो केवल श्रोमणी अकाली दल BSP गठबंधन आ। सो इस करके प्रिंसीपल साहब सियाने बंदे ने, इन्हां ने अपनी सूझबूझ दे लियाकत दे मुताबक और अखीं देखा कहने आई विटनेस दे तौर ते जो हाल इन्हां ने देखिया उस करके ये त्याग के आए ने, असीं इन्हां नूं जियाया करदे आं, इन्हां दा धन्नवाद करदे आं और आने वाले दिनों च होर बहुत लोग आउणगे। प्रिंसीपल साहब जिहड़े कि आप दे राजपुरा दे विच कह लईए कि फाउंडर मैंबर सीगे और इन्होंने वख-वख अहुदिआं ते स्टेट तो ला के डिस्ट्रिक्ट तो ला के वख-वख अहुदिआं ते कम कीता और पिछले बारी इन्हां दी जिहड़ी टिकट की दावेदारी सी उह भी सब तो उपर सी। इस वारी तां इन्हां ने खुद यह गल बयान की है कि इस वारी तां दावेदारी की नहीं, पर जिस तरह नाल पार्टी दीआं मूहरलीआं सफां दे विच गल करदे सी, मूहरले मूहरे रह के कम करदे सी, शुरू तो मैंबरशिप भर्ती कीती सी। मैं एक गल कह सकदा कि गड्डी दा इंजन असीं लिआंदा ते गिणती डब्बिआं दी तुहानूं हौली हौली हर रोज़ कराउंदे रहांगे, ये मैनूं भरोसा है कि इन्हां कोले इन्नी क आम आदमी पार्टी की जिहड़ी टीम इकट्ठी कीती हैगी है वो हौली हौली आउण वाले दिनां दे विच आपां लै के आउणी है। मैं एक बारी दिल दीआं गहराइआं चों फिर धन्नवाद करदा और जिस किस्म दा वर्तारा इन्होंने हले तक थोड़े सामने खुलासे किए हैं, हौली हौली तुसी देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे है कि किड्डे किस किस्म का वह इंसान है। जिवें चंदू महाराज साहब ने भी फरमाया कि किसी पंजाबी नूं, मैं कहना किसी सिख नूं भी मौका नहीं दिता,
पंजाब च भी अज यही स्थिति है कि किसी लीडर नूं पैदा नहीं होण दिंदा। और जे किते पहली गल तां उह कहिंदे ना तां नौमन तेल होवे ते ना उह नचे ते ना तां इहदा कुछ बनना है ते ना नहीं, पर इहदी लालसा इही है कि जे किते मौका मिलिया ते फिर मैं ही इत्थे किते दा लाऊं। हलका विधायक इह दोष ला रहे ने तुहाडे ते वी अकाली दल जिहड़ा हलका राजपुरा दे विच पिंडां दे विच सरपंचां नूं पंचायतां नूं धमका रहे ने। बिल्कुल, जे कोई गलत काम कीता ते उहदी जांच होणी चाहीदी है। कि मैं तुहानूं पुछदा है कि विधायक नूं पुछदा है कि जे कोई जाली शराब दीआं फैक्ट्रियां लगियां सी जांच नहीं होणी चाहीदी। जे नरेगा दे वड्डे तौर ते घपले हो रहे हैं जिथे 4 रुपया तो लैके 7 रुपए तक एक एक इंटरलॉकिंग टायल दे विच रिश्वत चल रही है, कि उहदी जांच नहीं होनी चाहीदी? 135 बंदे जाली शराब नाल मर गए, कि उहदी जांच नहीं होनी चाहीदी? इहदा मतलब कि इंसाफ कोई मंग ही नहीं सकता। अज सवेरे सवेरे मेरे को एक एफीडेविट आया है 11 लाख रुपया जिहड़ा उहदे च लैण देण होया, ते की असीं उहदा इंसाफ नहीं दवावांगे? कला ये विधायक साहब हले तो शुरुआत है, ये तो थोनू वक्त दसूगा। जेड़े पाप किए हैं हरदयाल ने इतने, मैं समझता कि उन्होंने पापा का घड़ा भर चुका है। और जिंदगी का पहली गल तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं देनी, जो मैं हालात लगते हैं ईडी मगर लगी फिरती है, कदों भी किसी इन्हों चक सकते हैं। और जे कि इलैक्शन लड़ा भी दिता कांग्रेस पार्टी ने, तो भी जिंदगी का हरदयाल का आखिरी इलैक्शन होएगा, ये मेरी गल तुम नोट कर ली। बराड साहब गल की है डब्बे वाली इंजन वाली, मतलब आम आदमी पार्टी इंजन तुम लै आता डब्बे होर उधर रहू कोई कि सारे डब्बे इधर आ जाएंगे? देखो मेरी एक बेनती है, पंजाब के लोग तो राजपुरा हल्के लोग बहुत सियाने ने, लोग उस पासे नूं तुरदे ने कि भला कौन कर सकता है। मैं थोनू सवाल पूछदा, जे सुप्रीम कोर्ट च इहदी पाई हुई रिट करके थर्मल प्लांट बंद हो जाते पंजाब नूं बिजली मिल जाती? मैं थोनू सवाल पूछदा कि जे पंजाब दा पानी जिहड़ा ने सुप्रीम कोर्ट दे विच स्टैंड लिया कि इह पानी हरियाणे ते दिल्ली नूं मिलना चाहिए, कि पंजाब दे विच अज भी झाड़ू चक्की फिरदे जिहड़े लोग आ उहनां नूं उहनां दे नाल खड़ना चाहिए? कि जिहड़ा काला कानून एक चौथा नाल रद्द होया जिहदे ते 1 करोड़ रुपए जुर्माना लाया सी, कि उह केजरीवाल ने अर्जी नहीं सी पाई ट्रिब्यूनल दे विच? पहलां सब तो जड़ जिहड़ी आ उहदी इह केजरीवाल ने बन्नी सी। कोई एक भी मुद्दा ऐसा नहीं जिहड़ा पंजाब दे हित दे विच खड़ सके। और जिहड़ा पहलां भी बच्चों की सहु खा के जिहड़ा बंदा मुकर सकता है, मैं पंजाबियों नूं एक गल पुछनी चाहुंदा कि जिहड़ा बंदा बच्चों की सहु खा के मुकर सकता है, आ इहनां दे जाली गरंटी फार्मां की कहदी गरंटी है? जिहड़ा काम इत्थे प्रोमिस करता है कि मैं बिजली इन्नी दूंगा, मैं 1000 रुपया दूंगा, दिल्ली दे विच दिंदा नहीं। हालांकि कहिंदा कि पंजाब दा बजट सियासी पार्टियां ने करजई करता, कहिंदा मेरा बजट दिल्ली दे विच सरप्लस है। जे तेरा सरप्लस बजट दिल्ली दे विच हैगा फिर तू उत्थे बिजली माफ़ी क्यों नहीं दिंदा? तू किसान तो मोटरां दे बिल उत्थे क्यों यूनिट वाइज कराउणा है? उत्थे भी कराउणा, तो इत्थे भी ना कराउण लग जाए? इस तरह 1000 रुपया जिहड़ा तू इत्थे आ के कहिंदा तू दिल्ली च क्यों नहीं दिंदा? ਬਰਾੜ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, 75x200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? 2200 ਲਾ ਲਓ, 2400 ਲਾ ਲਓ, 2600 ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ 2600 ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਵੇਂ 2200 ਸੀ। 11,500 ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BDO ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, APA ਕਿ EPO ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 2,250 ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ BJP ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 90-95 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ
90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜ ਗਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਮਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਸੁਣੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ 80% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ 20% ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਨੇ ਕਈਆਂ 'ਚ 60% ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 50% ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਈਏ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 50% ਜਾਂ 40 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 20 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਮਨ ਬਣਾਈ